वर्किंग पॉपुलेशन की आधी जिंदगी तो ट्रैफिक में फंसे ही खत्म हो जाती है, राइट? और अब नोएडा एक्सप्रेसवे जैसे प्राइम लोकेशन पे ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे, सब बताऊंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, हाय एवरीबॉडी, दिस इज शाइना, योर पर्सनल रियल एस्टेट मैनेजर फ्रॉम रियल्टी असिस्टेंट। रियल्टी असिस्टेंट, द मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी वेयर वी गाइड यू फॉर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। नोएडा एक्सप्रेसवे में वर्किंग पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट 4 to 5 lakhs, एंड ट्रैफिक से छुटकारा पाने के लिए एवरीबॉडी इज फाइंडिंग देयर होम नियर नोएडा एक्सप्रेसवे। तो अगर आपको चाहिए ऑफिस के पास, बजट में आपका अपना फ्लैट, देन सेक्टर 143B के सिक्का करनम से बेहतर कुछ नहीं मिलने वाला। सिक्का करनम का ये पूरा प्रोजेक्ट 48,562 स्क्वायर मीटर में है, जिसमें आपको टोटल 11 टावर्स मिलते हैं, जहां आपको मिलेगा कॉर्नर प्लॉट विद 3 साइड ओपन व्यू। इट इज ऑन द बेस्ट लोकेशन, क्योंकि यहां से आपको सारे मेजर कनेक्टिविटी कुछ ही दूरी पर मिल जाएंगे, जैसे लाइक सेक्टर 143 एंड 144 के मेट्रो स्टेशन सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे, सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन इज 10 मिनट्स अवे, और यहाँ से DND फ्लाईओवर इज अप्रोक्सीमेटली 15 टू 18 मिनट्स अवे। यहाँ आपको कई यूनिवर्सिटीज भी मिल जाएंगे, जैसे अमिटी यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी। आप यहाँ 15 टू 20 मिनट्स के इंटरवल पे पहुँच जाओगे। यू विल ऑल्सो गेट हॉस्पिटल्स नियर बाय लाइक JP, अपोलो, स्कूल्स लाइक शिव नादर, दी श्री राम मिलेनियम, जेनेसिस ग्लोबल, DPS नोएडा। And you can find all the malls nearby like Mall of India, Great India Place, Garden Galleria. यानी कि hospitals, schools, colleges, malls, सब कुछ आपको आस पास ही मिलने वाला है। And if we talk about its amenities, we have outdoor games like badminton, lawn tennis, basketball, skating area. In short, a place where you will find everything with a very competitive and flexible payment plan. So if you want any more details about this amazing project, you can call us on the number that is flashing on the screen. And that was it for the video. I hope you liked the video. Make sure you hit the like button, do share and subscribe. We will meet in another video. Till then, keep smiling, stay happy and keep investing. Bye-bye.